29 अप्रैल को आतंकी संगठन समर्थक पुन्नू की तरफ से शिमला में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इससे पहले भी पुन्नू की तरफ से धमकी दी जा चुकी है और अब भी चुनाव से ठीक पहले धमकी दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि इससे पहले भी दी गई धमकी पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्यों पुन्नू चुनाव से पहले ही धमकी देता है। जो वस्तु स्थिति है उस पर बात कीजिए। अब अफवाह तो ये भी हो सकती है कि कल को ये दो भी जा रहे हैं जो सामने बैठे हैं। गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें प्रदेश की सुरक्षा के साथ यहाँ पे छदम राष्ट्रवाद सांप्रदायिकता को हवा दे के वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरा मुद्दा जो मैंने यहाँ धमकियाँ मिल रही है, ये धमकियाँ पिछले वर्ष भी मिली, मैंने ये कहा है कि उसके बाद सरकार ने अभी तक मुद्दों को भटकाने का जो प्रयास सरकार का रहा है उसको उस पे हम लोगों को भटक या फिर फिल्म के जरिए ये चीज़ सामने निकल, क्या लगता है सर आपको कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं जो वेरी क्रिस्टल क्लियर, और मैंने हिंदी जुबान में बात की है, कुछ अंग्रेजी में भी बोला है और मुझे मालूम है कि आपको सब कुछ समझ आया। देर मैनिफेस्टो कमेटी बननी है हमारी, जो है हमारे नगर निगम के चुनाव थे वहाँ हमने दो जगह पे जीत हासिल की और उपचुनाव में हमने जीत। तो ऐसा व्यक्ति जो धमकियां देकर प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहा है, एक सेंसेशन पैदा कर रहा है, उसके बारे में पिछली बार क्या कार्रवाई हुई हम ये जानना चाहते हैं। अब ये कोई पुन्नू साहब है ये इस आशय की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने पत्र लिखा उसके बाद क्या कार्रवाई हुई ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। अब दो बातें साफ है, पहला हमारी प्रदेश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ा होना नहीं चाहिए। थोड़ा हमें यह भी लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो ये व्यक्ति सक्रिय क्यों हो जाता है, क्योंकि पिछली बार भी उसके बाद हमारे बाई इलेक्शन थे और अभी भी कॉरपोरेशन के चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात भी आती। अभी चुनाव हुए 5 राज्य के, मूल्य स्थिर रहे और अचानक दाम बढ़ने शुरू हो गए, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और 5 दिनों में 3.20 रुपये रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। कितनी महंगाई बढ़ी है, जो रोजमर्रा की काम में आने वाली चीजें, खाने का तेल है, खाद्य वस्तुएं, लगातार दाम बढ़ रहे। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।